देखिए दोस्तों, इस तरह से ये जो है सैमसंग का जो मिरर है ये लगभग 13-14 पॉइंट का है, और जो डेप्थ है वो चार पॉइंट का है। इसे देख सकते हैं आप, इस कारण से जो है सैमसंग अटक रही है। सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। देख सकते हैं न्यू हरन का 3600-2 मॉडल है ये। इसमें एक ये दिक्कत हो रही है, देख सकते हैं सबसे टॉप पे लगा हुआ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंसिंग करता है, और इधर देख सकते हैं ये भी इधर यहाँ पे लगा हुआ, क्योंकि ऊपर वाले होल में नहीं चलाते, एंगल इसका बिल्कुल राइट है। तो इसी कारण से इसमें दिक्कत ये हो रही है कि जब हम लोग जब ट्रैक्टर चलाते हैं कल्टीवेटर वगैरह पे, तो इसमें दिक्कत ये होती है कि लीवर जो है सेंसिंग लीवर हमें यहाँ पर लाना पड़ता है, तब जाके सेंसिंग करता है पूरी प्रॉपर तरीके से। तब भी जहाँ पे एकदम से हार्ड मिट्टी आ जाती है, तो फिर एकदम से नरम मिट्टी आ जाती है, तो वो एकदम घुस जाता है ट्रैक्टर, ताकि फिर हमको पीला लीवर ऊपर करके इसको ऊपर करना पड़ता है। तो ये कारण क्यों हो रहा है बार बार, आप लोग बोलो, मैं दिखा देता हूँ आपको सेंसिंग पॉइंट। देख सकते हैं ये जो सेंसिंग पॉइंट है, यहाँ से उसको नीचे उतार के नीचे कर दिया मैंने, ताकि सेंसिंग थोड़ी सी तेज़ हो सके। जिसको इसको जैसे जैसे नीचे करेंगे सेंसिंग पॉइंट ज़्यादा ज़्यादा होते जाएगा, और जिसको ऊपर करेंगे तो कम होगा सेंसिंग। इसी कारण से सेंसिंग कमज़ोर हो रही थी, तो मैंने इसको तेज़ किया। मैं इसका मेन कारण बताता हूँ आपको क्या है इसका कारण। मैं ये पीछे दिखा देता हूँ मैं इसका कारण। देखिए यहाँ पर जो है आपको ये चाल सुनाई दे रही होगी, ठीक है, इसकी आवाज़ जो इससे दिखा देता हूँ आपको। अभी तो ये कल्टीवेटर लगा हुआ है, इस कारण से देखिए ये इतनी चाल है इसकी। तो लगभग ये 1 से 2 mm के बीच में चाल है। तो ये भाइयों, ये जो बहुत ही कम इस पे चलता है, गैप पे चलता है, इसमें 1-2 mm तो चलता ही है लगभग, तब जाके ये सेंसिंग करता है। तो इसमें इतनी तो चाल ही है, तो क्या सेंसिंग करेगा प्रॉपर तरीके से। मैं दिखाता हूँ इसका क्या कारण है। जैसे इसको लाग निकाल लिए मैंने, इसको हम बाहर निकालते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इसके अंदर एक बूझ बैठेगा, तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। पहले देखिए दोस्तों, ये वाली जो लाक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो लाक है ये बाहर निकाल ली हमने। ये जो लाक निकालने का प्लायर रहता है, इससे बाहर निकाल ली हमने। अभी इसके अंदर से हम बूझ निकालेंगे, तो बूझ कैसे निकालेंगे वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको एक पेचकश की सहायता से। या तो आप इसे यहाँ से खोल सकते हैं, पूरा खोल के बाहर निकाल लीजिए, अपने आप बाहर निकल जाएगा। देखते हैं हम लोग इसको पहले पेचकश की सहायता से, अगर निकल जाता है तो ठीक है, वरना हम इसको पूरा बाहर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पे 17 नंबर लगेगा इसके अंदर में, ये 17 नंबर यहाँ पे लग गया है, इसको लगा लेंगे। देख सकते हैं इधर जो है 19 नंबर चाबी लगेगी, ये वाला पना लगेगा, इन दोनों को एक साथ ही खोलना है। तो मैं बताता हूँ आपको, दोनों को एक ही बार में खोलना है लगभग, तो मैं थोड़ा सा इनको खोल लेता हूँ। फिर देखिए ये इस तरह से खुलेगा। हम लोग इसको ढीला कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको फिर वापस सेटिंग करना पड़ती है, तो इसलिए इसको हमने छेड़छाड़ किया ही नहीं वाले जो नट को, इसको हम बाहर निकाल लेंगे पूरा खोल के, पूरा बाहर कर लेंगे। देखिए इस तरह से बाहर हो गया। देखिए ये जो पुराना वाला बूझ है, प्लास्टिक का बूझ डलता है इसमें, तो इसकी कंडीशन देख सकते हैं आप किस तरह से हो गई है। देखिए इस तरह से हो गई है। तो अभी जो इसमें हम नया वाला बूझ डालेंगे, ये वाला देख सकते हैं, इसकी गैपिंग वगैरह दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप, ऐसे लगेगा एकदम फिक्स से बैठेगा, इसमें कोई चाल भी नहीं रहेगी। देखते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे जो ये बैठ जाएगा थोड़ा सा, देख सकते हैं कोई भी चाल नहीं है, फिक्स बैठ रहा है। तो अभी हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे पूरा, मैं बाहर निकाल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है पुराने वाले बूझ की कंडीशन, देख सकते हैं किस तरह से कट गया, पूरा कट फट गया, पूरा छिल गया, बारीक हो गया। और अभी दिखाता हूँ नया वाला, देख सकते हैं नया वाला कितना मोटा और एकदम फिट बैठेगा, इसमें कोई भी दिक्कत, 1 mm की गैप, थोड़ी सी भी गैप नहीं रहेगी। देख सकते हैं पुराना और नया, इसमें आप देख सकते हैं खुद ही कितना डिफरेंट है, इसीलिए इसमें सेंसिंग कम हो रही है। तो जिस भी किसान भाई को दिक्कत हो, तो आप एक बार ये जरूर करके देखें। वीडियो पसंद आया लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। पहले हम इसको बूझ को डाल लेते हैं, इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे, आप चाहे तो लगा सकते हैं नया वाला ऑयल, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अब इसको हम सीधा डालेंगे यहीं से, इसमें डालने का तरीका भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इसको इस तरह से रखना है यहाँ पर,
देखिए दोस्तों, इसको इस तरह से रखेंगे और इसमें ऐसे रख के आहिस्ते आहिस्ते ठोकना है ताकि ये बूज ख़राब ना हो। थोड़ा सा टाइट रहेगा। इसमें थोड़ा सा लुब्रिकेशन लगाएंगे ताकि आसानी से चले जाइए। देखिए इस तरह से। देखिए ये बूज चले गया है। इस तरह से लुब्रिकेशन लगा के कुछ प्रॉपर फिट कर देंगे। देख सकते हैं ये बैठ गया है। देखिए दोस्तों, इस तरह से इसमें बूज बैठ गया है। तो इसको हम पहले बिठा के देखेंगे यहाँ पे। इसमें भी थोड़ा सा हार्ड ही जाएगा, वो देख सकते हैं। तो इसमें भी हम थोड़ा सा लुब्रिकेशन लगा के इसको भी टाइट ठोक देंगे ताकि पहले इसमें थोड़ा सा कस लेते हैं ताकि ये बार बार गिरे नहीं। देखिए दोस्तों, इस तरह से इसको थोड़ा सा ठोक के हमने बूज को अंदर कर दिया। दिखा देता हूँ एकदम करीब से आपको। इसे ठोक के इसको अंदर कर दिया। इस तरह से बैठ गया। इसमें अभी लाग बिठा देंगे यहाँ पे। देख सकते हैं, अभी मैं इसकी गैपिंग दिखा देता हूँ आपको बिल्कुल भी। देखिए ये कुछ भी गैपिंग बची ही नहीं, गैपिंग ही नहीं बची, पूरा टाइट हो गया है। तो अभी इसको भी टाइट कर देंगे हम अच्छे से। देख सकते हैं ये, जैसे इसको टाइट कर देंगे, पहले लॉक लगा लेते हैं फिर इसको टाइट कर देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से इसको टाइट कर लिया है। मैं एक वीडियो इससे पहले भी की दिखा दूंगा कि जब बूज नहीं डाला था तो कैसे सेंसिंग कर रहा था ट्रैक्टर, क्या क्या दिक्कत आ रही थी। अभी मैंने बूज डाल दिया, इसके बाद मैं इसको वीडियो एक नया डालूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा तो बताऊंगा कैसे सेंसिंग चल रही है नया डालने के बाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये जो है सेंसिंग का जो नंबर है ये लगभग 13-14 पॉइंट का है। और जो टेक्स्ट है वो 4 पॉइंट का है। क्योंकि देख सकते हैं आप, इस कारण से जो है सेंसिंग अटक रही है, सेंसिंग का भारी लोड पड़ रहा है ज़्यादा। देख सकते हैं इस तरह से, अभी जैसे ही जमीन कड़क आएगी अपने आप नहीं उठेगा। यही दिक्कत होती है बिना बूझ के चलाने से, तो बूझ बूझ जाए उसका। देखिए दोस्तों, बूझ नया डालने के बाद देख सकते हैं जो पोजीशन है। देखिए नीचे आ गया, पहले यहाँ पे काम करता था और ये भी नीचे चले गया। देख सकते हैं आप, इस तरीके से बूझ डालने के बाद सेंसिंग की प्रॉपर कर रहा है। कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना पड़ रही है, बार बार एक बार सेट किया पूरा चल रहा है एकदम।